एवरीवन, वेलकम टू मिस केमिस्ट्री। देखो इस वीडियो में हम क्विज नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। काफी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया है, क्या कंसेप्ट लगाया है। तो इस वीडियो को आप देख लेना, चेक कर लेना आपने फॉर्मूला सही लगाया है गलत लगाया है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इस पे। तो देखो, ए प्योर सैंपल ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन शोज रोटेशन ऑफ पीपीएल बाय 30 डिग्री इन स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन अबव सैंपल इज मेड इम्प्योर बाय मिक्सिंग इट्स ऑपोजिट फॉर्म सो दैट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर बिकम 87.5% डी फॉर्म एंड 12.5% एल फॉर्म, देन व्हाट विल बी द ऑब्जर्व्ड रोटेशन फॉर द मिक्सचर। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। तो देखो, मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ाई है, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं कंसेप्ट्स वो मैं आपको सारे बता दूंगी, जो भी फॉर्मुलेस होंगे एक्स्ट्रा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है। इनेंशियोमेरिक एक्सिस, और इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल प्योरिटी। क्या बोला जाता है इसको, ऑप्टिकल प्योरिटी। और इनेंशियोमेरिक एक्सिस को किस से लिखते हैं, इसे डिनोट किया जाता है ईई से। किससे? ईई से। अब देखो, जो इनेंशियोमेरिक एक्सिस होता है इसके तीन फॉर्मुलेज होते हैं, तो वन बाय वन हम तीनों ही देख लेते हैं। तो जो तीन फॉर्मुलेज होते हैं, सबसे पहला होता है इनेंशियोमेरिक एक्सिस में, ये होता है परसेंट ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस परसेंट ऑफ माइनर इनेंशियोमर, ठीक है, परसेंट ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस परसेंट ऑफ माइनर इनेंशियोमर। जो सेकेंड होता है इनेंशियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला, वो होता है अमाउंट ऑफ मेजर इनेंशियोमर इंटू अमाउंट ऑफ माइनर इनेंशियोमर अपॉन टोटल अमाउंट इंटू हंड्रेड। देखो, इसके दो फॉर्मुलेस मैंने लिख दिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है इसका, इनेंशियोमेरिक एक्सिस का, परसेंट ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस परसेंट ऑफ माइनर इनेंशियोमर। सेकंड फॉर्मूला क्या है इनेंशियोमेरिक एक्सिस का, अमाउंट ऑफ मेजर इनेंशियोमर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर इनेंशियोमर अपॉन टोटल अमाउंट इंटू हंड्रेड, ठीक है। अब जो थर्ड फॉर्मूला है इसका वो देख लेते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सिस का। तो देखो, ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड फॉर्मूला ये है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनेंशियोमर इन इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है, इन इट्स प्योर फॉर्म इंटू हंड्रेड, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है थर्ड में, तो देखो, थर्ड जो फॉर्मूला है इसका क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनेंशियोमर इन इट्स प्योर फॉर्म इंटू हंड्रेड, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसको लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। अब जो स्पेसिफिक रोटेशन को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो, ये थर्ड जो फॉर्मूला है इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं थीटा। अब देखो, जो थीटा होता है वो क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन, किसका स्पेसिफिक रोटेशन है, मिक्सचर का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, मिक्सचर, ठीक है। अब जो नीचे है स्पेसिफिक रोटेशन है किसका है, प्योर फॉर्म का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, थीटा प्योर इंटू हंड्रेड। समझ में आ गई आपको। अब देखो, आपको क्वेश्चन में पढ़ो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है थीटा मिक्सचर। थर्ड लास्ट लाइन है, व्हाट विल बी द ऑब्जर्व रोटेशन फॉर द मिक्सचर, आप क्या फाइंड करना है थीटा मिक्सचर। और देखो, जो फर्स्ट लाइन है आपको दिया है, प्योर सैंपल ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन शोज रोटेशन ऑफ पीपीएल बाय 30 डिग्री। मतलब आपको थीटा जो प्योर दिया है वो दिया है आपको 30 डिग्री। आपको देखो ये दिया है, ये 100 है ही आपका, ये आपको फाइंड करना है। बट आपको इनेंशियोमेरिक एक्सिस एज इट इज यहाँ पे नहीं दे रखी इनेंशियोमेरिक एक्सिस, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखाए हैं। इस फॉर्मूले से आपका अप्लाई होगा। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक तो आपको डी फॉर्म दे रखी है और आपको एक एल फॉर्म दे रखी है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। एक तो देखो डी फॉर्म दे रखी है एज अ मेजर इनेंशियोमर, और जो एल फॉर्म दे रखी है एज अ माइनर इनेंशियोमर। डी फॉर्म दे रखी है आपको 87.5% और एल फॉर्म दे रखी है आपको 12.5%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यूज कर लेती हूँ इसको, 87.5 क्या है आपका मेजर इनेंशियोमर, 87.5% माइनस 12.5%, तो
तो इसको सॉल्व करके आता है आपका लगभग 75%, यही आता है लगभग 75%। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकती हूँ इसको 75 इनेंशियली टैक्सेस आ गई मेरी। अभी आपको थीटा मिक्सचर इसका फाइंड करना है और थीटा पे आपको कितना दिया है 30 डिग्री × 100। आपको क्या करना है, थीटा मिक्सचर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 75 इसको कैसे सॉल्व करना है, 75 अब देखो 30 क्या है डिवाइड में, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये जो 100 है वो क्या है मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा वो डिवाइड में। आपको क्या फाइंड करना है थीटा मिक्सचर, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल होता है यहाँ पे आप कैंसिल करो, जब इसको कैंसिल करते हो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है आपका आएगा 225/10, ठीक है। क्या आएगा 225/10, ठीक है यही आएगा। अब देखो इसको डिवाइड करो तो आपका आएगा 22.5%, मतलब आपका इसका आंसर है जो क्वेश्चन का आपका ऑप्शन आएगा बी, ठीक है 22.5%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।